चैनल नॉलेज का हब। दिस इज़ अ पार्ट टू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सीरीज वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि आपका सिलेबस है और उस सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आप किस यूनिट में पढ़ेंगे वो मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो तो प्लीज़ जाइए और आप एक बार ही गो थ्रू कर लो, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस पार्ट में मैं कंटिन्यू करूँगी, यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करी हूँ आज से आपका एक्सप्लेनेशन। कल तो मैंने इंट्रो दिया था। सबसे पहला है मैनेजमेंट। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यही जान लेना कि मैनेजमेंट क्या होता है। इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप कहेंगे मैम कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमारी छोटी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी छोटी भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, वो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट से हट करके उनका मेन मोटिव ये हो जाता है कि वो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप कहोगे मैम एक्सप्लेन करो, ये तो समझ लिया। तो भाई देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सोच सकते हैं जैसे हमारा बिजनेस हाउस होता है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस करने का पैसा कमाना है। बट अगर हम एनजीओस की बात करें तो क्या एनजीओस का मेन मोटिव पैसा कमाना होता है? नहीं, उनका ये होता है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है? आपको सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ वन प्लेस टू अनदर ना, और फॉर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमारी किसकी है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं। प्रोडक्शन का काम, जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, वो हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बोला सेकेंड पार्ट में, मैनेजमेंट हेल्प्स टू मेक द बेस्ट एफर्ट टुवर्ड द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सारे मिल करके एक काम कर रहे हैं तो ग्रुप का मेन मोटिव एक ही होगा, ठीक है, तो उसको अचीव करने में, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में एक बेस्ट तरीके से कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट। मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा रही है तो उसकी सक्सेस के पीछे का राज उसका मैनेजमेंट होगा, और अगर वो फेल होती जा रही है, ठीक है, कोई मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रही तो उसका मेन मोटिव या उसके पीछे का हाथ किसका होगा? मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली और एफिशिएंटली विदाउट मैनेजमेंट। इन्होंने बोला कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट को हटा दें, ठीक है, तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्मूथली वर्क करे और या फिर एफिशिएंटली वर्क करे। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट की, इतनी तारीफ तो हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। डेफिनेशन पे आते हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। इन्होंने बोला मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सर्विस ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। इन्होंने बोला मैनेजमेंट कंसिस्ट है इंटर रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, इंटर रिलेटेड फंक्शन से जुड़ा हुआ है, और कौन परफॉर्म करता है? ऑल मैनेजर। मतलब हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, सबका मैनेजर अलग अलग है। तो ये सारे क्या करते हैं, एक फंक्शनल रिलेटेड हो गया, फंक्शन से रिलेटेड, और ये सारे मैनेजर अपनी जो फंक्शनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक स्मूथली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करेगी। चलिए नेक्स्ट है इनका, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। उन्होंने बोला तुमने तो अपनी डेफिनेशन सुना दी, अब हमारी मॉडर्न अप्रोच से बताओ डेफिनेशन क्या होगी मैनेजमेंट की। तो बेटा देखो, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इन्होंने बोला मैनेजमेंट हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपना जो भी मेन एम है उसको अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से?
एफिशिएंटली भी और इफ़ेक्टिवली। आप कहोगे मैम ये एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली क्या है बेटा? एफिशिएंटली का मतलब क्या है? कोई भी काम हमारा टाइम पे हो जाए। और इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या है? कि हमारे कम पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला कि एक हफ्ते में आप क्लोथ का प्रोडक्शन करो, पर उस पर शर्ट, फॉर एग्जांपल आप शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, उस पर शर्ट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ आना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करा, एक हफ्ते से पहले वो काम कंप्लीट कर दिया, 5 दिन लिया, आपने काम भी कंप्लीट कर दिया, और उस शर्ट का जो प्राइस था, मैंने कहा था आप 100 रुपये रखना, आपने कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगा करके 90 रुपीज़ में उसका प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मैंने बोला भाई पैसे भी कम लगे और काम जो है टाइम से भी पहले हो गया, तो ये क्या हुआ, हमारा मैनेजमेंट एक इफ़ेक्टिव और एक एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। इसी डेफिनेशन को आई होप आप समझ गए होंगे, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम मैनेजमेंट की हेल्प से अपने जो भी गोल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, इन्होंने बोला इसका मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब क्या, हर एक जगह पे मैनेजमेंट की नीड है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, अभी मैंने आपको बताया ना डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एक बंदा तो होता नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी तब भी उसमें 3-4 से ज़्यादा कम लोग तो नहीं होंगे ना, तो फिर क्या है, हमारी मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, मैनेजमेंट हमारी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलती ही जाती है, गोज एंड गोज फॉर एवर, इट नेवर एंड, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन, इसमें ये बोला कि जैसे क्या है ना डे टू डे बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ये नहीं कि एक जगह ये मैनेज बस इतना ही हो सकता है, नहीं भाई, मैनेजमेंट की डायमेंशनल्स क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे हम जो मैनेजमेंट करेंगे काम को भी करेंगे मैनेज, पीपल को भी करेंगे, और हमारा जो भी ऑपरेशन है उसको भी मैनेज हम करेंगे। लास्ट है मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल प्रोसेस, मैनेजमेंट इनटेंजिबल प्रोसेस कैसे है मैम? बेटा इनटेंजिबल का मतलब ये होता है द थिंग्स टू विच वी कैन नॉट टच और सी, हम उस चीज़ को ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाओ, आपने खाना ऑर्डर कर दिया, आपका खाना टाइमली आया, प्रॉपर आपको देखा, वेल मैनर्ड जगह है, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़, एक बार बुलाने पे वेटर आ रहा है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप कहेंगे भाई मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। तो क्या आपने मैनेजमेंट के हाथ पैर आँख नाक कुछ देखा? नहीं देखा ना आपने, तो बस मैनेजमेंट को फील करा ना, इसलिए इन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक, प्लीज़ राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हेयर टू प्रोवाइड माई बेस्ट टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, थैंक यू।